उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के औंग थाना क्षेत्र के कस्बे में एक 65 वर्षीय वृद्ध महिला की बीमारी के चलते मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने वृद्ध महिला का अंतिम संस्कार करने के लिए शिवराजपुर स्थित शमशान घाट लेकर गए, जहां गंगा नदी में आई बाढ़ की वजह से गंगा नदी की मुख्य धारा उन्नाव जनपद में चली गई। अभी पीड़ित लोग गंगा नदी में शव का अंतिम संस्कार करने ही जा रहे थे कि तभी उन्नाव जनपद के 12 सर्वर गांव से लाठी डंडे लेकर आए आधा सैकड़ा लोगों ने पीड़ितों के ऊपर मारपीट करना शुरू कर दिया, जिसका वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दोनों जनपदों की पुलिस ने शव का अंतिम संस्कार करवाते हुए घायलों को 108 एम्बुलेंस से नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। वहीं पीड़ित की माने तो वह अपनी मां का अंतिम संस्कार करवाने के लिए शिवराजपुर गंगा किनारे गया था, जहां पर लोगों ने लाठी डंडों से मारना पीटना शुरू कर दिया। वहीं डीएसपी ने बताया कि मामला उन्नाव जनपद का है, इसलिए घटना की जांच उन्नाव जनपद कर रही है। पीड़ितों की किसी तरह की कोई तहरीर नहीं मिली है। कल क्या हुआ था और आप कहां के रहने वाले हैं? हमारा नाम अंबिका पटेल है, जो औंग के रहने वाले हैं, थाना औंग लगता है। इसके बाद जो है हम लोग अपनी माता जी का हमारे स्वर्गवास हो गया था, तो हम लोग अंत्येष्टि के लिए जो शिवराजपुर से लेकर के जो है उन्नाव जनपद की जगह पे गंगा जी बह रही, मैं वहाँ पहुँचा। जैसे कि जो है वहाँ पर वो लोग मना करने लगे कि यहाँ नहीं जो है, और हम लोग कहा कि ठीक है हम वापस कर लेंगे। इसके बाद उन लोगों ने मारना शुरू कर दिया, यानी कि 10 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, बाकी कम से कम 25 लोग जो है मिनिमम घायल हैं। क्या क्या लिए थे ये लोग जब हमला कर रहे थे? फरसा भी लिए थे, बांका भी लिए थे, एक कट्टा भी जो है निकाल के ले आया था। तो हमारे साथ में जितनी जनता थी तो करीब करीब मार खाते हुए भक्ति हुई नजर आई। हम लोग 5 लोग वहां बचे थे। के बाद जो है उन्नाव जनपद की जो है पुलिस आई, तो उसके बाद हमने जो है करीब वही 7 बजे अंतिम संस्कार कर रहा, इसके बाद उन लोगों ने हमको निकाला। कल दिनांक 16/10/2019 को औंग से कुछ लोग एक लाश का अंतिम संस्कार करने के लिए गंगा तट पर ले गए। उपरोक्त तट मजरे उसरपुरवा ग्राम लालखेड़ा थाना 12 सगवर जनपद उन्नाव में स्थित है। वहाँ पर परवल के खेत से पार होने के कारण उपरोक्त लोगों एवं उन्नाव के लोगों में कुछ झड़प एवं वाद विवाद हुआ। उपरोक्त घटना का संबंध थाना 12 सगवर जनपद उन्नाव से है। थाना औंग पर इस संबंध में कोई भी प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ।